सरकारी बंगले का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों में लोकसभा और राज्यसभा से ताल्लुक रखने वाले कई सांसद हैं। इनमें कई ऐसे सांसद भी हैं जो सिर्फ आमदनी के लिए बंगले का कमरा किराए पर देते हैं, खुद मकान मालिकों की तरह लोगों से किराए की बात करते हैं, किराया वसूलते हैं। हमने अपनी छानबीन जारी रखी और हम कई सांसदों के बंगले में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों को बेनकाब करने वाले थे। किसी सांसद के बंगले में कमरा चाहिए तो दलालों की मदद लेनी होगी। ऐसे दलाल जो सांसदों के निजी स्टाफ या उनके करीबी होते हैं। इस बार सुभाष नाम का ये दलाल हमें कमरे के लिए फिरोज शाह रोड के बंगला नंबर 14 ई में ले गया। ये बंगला समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर आवंटित है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए शफीकुर रहमान बर्क वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं। सुभाष नाम के इस दलाल के साथ हम अगले रोज एक बार फिर सांसद शफीकुर रहमान बर्क के आवास पर पहुंचे। इस बार सुभाष ने हमें बताया कि एमपी साहब ने बंगले के अगले हिस्से में बने कमरे को किराए पर लगाने से मना किया है। हम बंगले के पिछले हिस्से में बने कमरों को किराए पर ले सकते हैं। आगे के लिए एमपी साहब ने मना कर दिया, आगे हम नहीं देंगे। जो हमारे गेस्ट आते हैं, एरिया के लोग आते हैं, देखेंगे तो कहेंगे कि क्या पीछे का रहेगा, बाद में जब ये पुराने हो जाएंगे तो फिर आगे उनको शिफ्ट कर देंगे जो बन रहे हैं, तो कोई रिस्क वो भी दे देंगे आगे वाला भी। फिर आगे रहना, पीछे अपना जैसा मर्जी, आप जो मर्जी इस्तेमाल करना। दलाल हमें बता रहा था कि हम किराए के कमरे का जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने हमसे कमरे दिलाने के लिए बतौर कमीशन 15,000 रुपए लिए। इसने हमें कुछ हिदायतें भी दी ताकि एमपी साहब की बदनामी न हो। किराए की बात पक्की करने के लिए दलाल सुभाष ने सांसद वर्ग के निजी सहायक कहे जाने वाले एक शख्स से हमारी मुलाकात करवाई। इरफान खान नाम का आदमी खुद को सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का पीए बताता है। इसने किसी अतिथि की तरह हमारी आवभगत की। हमने बंगले के कमरे को किराए पर लेने की बात तय की। हमें एक कमरे का किराया बताया गया 13,000 रुपए। इसमें हर महीने 3,000 रुपए का कमीशन इरफान के लिए था। आप अपने तरीके से सेट कर लेना कि एमपी साहब को किराया भी देना हो तो उनको ये बता देना पहले कि भाई मैं 2,000 दे रहा हूँ, 3,000 दे रहा हूँ, 5,000 दे रहा हूँ या 10,000 दे रहा हूँ, जो भी देना इनको क्लियर करना कि भाई इतने ही बताया एमपी को, जो आपको दे रहा है वो तो दे ही रहे हैं। हाँ ये बात है ना, ऐसी बात करनी चाहिए, यही क्लियर होगी। ये हाँ यही क्लियर करो, शाम की बात हो जाए तो 10 की गड्डी लेते हैं आपके हाथों से दिला। किराए की पहली किश्त देने के लिए हमें समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से मिलना था। तय वक्त पर हम डॉक्टर बर्क के सरकारी आवास पर पहुंचे। इरफान ने हमें आधे घंटे इंतजार करने को कहा और एक बार फिर अपने कमीशन की बात दोहराई। थोड़े इंतजार के बाद हम सांसद महोदय के सामने थे। साथ में खुद को एमपी साहब का पीए बताने वाला इरफान खान भी था। भाई ये कुंदन, कुंदन जी मेरा नाम है। कुंदन, कुंदन जो मैंने बताया था आपको, कुंदन शशिराज। कुंदन शशिराज, कुंदन शशिराज। शशिराज क्या है जी? मैं वकील साहब के साथ काम करता हूँ यहाँ। सांसद शफीकुर रहमान को हमने बताया कि हम राजीव शर्मा नाम के वकील के लिए किराए पर कमरा लेना चाहते हैं। कमरे में वकील साहब का दफ्तर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते होंगे, तो देखते होंगे जो वकील के चैम्बर्स बने हुए हैं उनमें बहुत कम जगह होती है, बहुत छोटा सा, और उनकी जो ढेर सारी किताबें होती हैं या कोई और एक एक केस से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, तो उनको रखने के लिए सर कोई जगह चाहिए जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से पास में पड़े। शुरुआती बातचीत के बाद
सांसद शफीकुर रहमान बर्क को किराया देने के लिए हमने 10,000 रुपए निकाले। हमारे हाथ में रुपए देखकर शफीक साहब थोड़े रुके। इस पर कमरे में मौजूद उनके सहायक इरफान खान ने एमपी साहब से कहा कि सोचने जैसी कोई बात नहीं है, किराएदारों की जिम्मेदारी उसकी है। मेरी जिम्मेदारी है तो सोचने की कोई बात ना। सांसद शफीकुर रहमान ने हमसे 10,000 रुपए ले लिए। शफीक साहब ने नोट का उड़ती नजर से मुआयना किया और हमसे हमारी आमदनी के बारे में पूछा। तो मतलब ये कि क्या इतनी आमदनी हो जाती है? क्या हमारी आमदनी पूछ रहे हैं? मेरी आमदनी तो जी 8,000 महीना है। मेरी आमदनी तो 8,000 महीना है। हाँ साहब की आमदनी तो है। अब साहब की आमदनी करोड़ों में जाती है, करोड़ों में जाती है, लाखों में जाती है, उनकी आमदनी वही जाती है। हम नहीं ले रहे साहब के लिए ही ले रहे हैं। कौन से, क्या नाम? राजीव शर्मा नाम है उनका, बड़ौद के रहने वाले हैं वो। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को शायद अच्छी तरह मालूम होगा कि संसद के सरकारी आवास में किराया लगाना गैर कानूनी है, फिर भी उन्होंने बेझिझक होकर हमसे 10,000 रुपए लिए और अपना कमरा किराए पर दिया। लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ऐसे इकलौते सांसद नहीं है जो तमाम कायदे कानून ताक पर रखकर सरकारी बंगले को किराए पर लगाते हैं। हमने छानबीन जारी रखी। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे उन तमाम सांसदों के सरकारी बंगले जिनके दरवाजे किराएदारों के लिए खुले हैं।